अमित शाह की बिहार जनसंवाद रैली से बिहार चुनाव का शंखनाद हो चुका है। इस बार बिहार में जेडीयू और बीजेपी के एनडीए गठबंधन की आरजेडी, कांग्रेस और हम के महागठबंधन से सीधी टक्कर है। जहां एनडीए में अंतर्कलह की खबरें आती है, वहां महागठबंधन के भी दल तेजस्वी को सीएम का चेहरा मानने के लिए तैयार नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा ने वहां गठबंधन के नेता के चयन के लिए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग की थी, लेकिन आरजेडी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। महागठबंधन में अपनी बात नहीं सुने जाने से नाराज हमने स्पष्ट कर दिया कि अगर आरजेडी अपनी मनमानी करती रहेगी तो आगे की राजनीति के लिए हर प्रकार के विकल्प खुले हुए हैं। जब तक महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनेगा, तब तक ये खतरनाक होगा कि हम किसी भी फैसले को व्यक्ति विशेष के तौर पर देखें। तेजस्वी यादव जी राष्ट्रीय जनता दल के नेता जरूर हो सकते हैं, लेकिन उनके नाम पर मोहर महागठबंधन से लगेगी, तभी वो महागठबंधन के नेता होंगे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कभी मीरा कुमार जी का नाम आगे किया जाता है, कभी एक संजीव कुमार जी हैं उनका नाम आगे कर दिया जाता है, कभी निखिल कुमार जी कहते हैं कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। मतलब साफ है कि तमाम राजनीतिक पार्टियाँ जो हैं महागठबंधन में, जब तक उनका अपना कोऑर्डिनेशन नहीं बनेगा, तब तक ये तय करना पाना मुश्किल होगा कि महागठबंधन का बिहार विधानसभा चुनाव में नेता कौन होगा। विकल्प खुले होने की जीतनराम मांझी की पार्टी की धमकी का आरजेडी पर कोई असर नहीं हुआ है। आरजेडी अपने पुराने स्टैंड पर कायम है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि तेजस्वी यादव ही विधानसभा चुनाव में पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। महागठबंधन के आर्किटेक्ट हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी हैं। अब ये लोग जो भी कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी था महागठबंधन में तभी ना लोकसभा चुनाव में 3 सीटों पर आदरणीय मांझी जी की पार्टी हम पार्टी लड़ी, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी 5 सीटों पर लड़ी, मुकेश सहनी जी की पार्टी 3 सीटों पर लड़ी। कोऑर्डिनेशन कमेटी था तभी ना आदरणीय मांझी जी के सुपुत्र बिहार विधान परिषद में भेजे गए। राष्ट्रीय जनता दल के सभी विधायकों के समर्थन से उनके पास तो मात्र एक विधायक का, लेकिन महागठबंधन में समय आने पर सब लोग मिल बैठ करके तय कर लेंगे, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं होगा, किचकिच नहीं होगा। लेकिन कोई अगर प्रेशर पॉलिटिक्स करेगा और जब चुनाव आते हैं नज़दीक, तो गठबंधन में सभी राजनीतिक दल इस बात को लेकर के, सीटों को लेकर के प्रेशर बनाने का प्रयास करते हैं अपने बड़े घटक दलों पर। इसका कोई ज़्यादा इस पर हमें कोई कुछ नहीं कहना है। विरोधियों के अंतर्कलह पर जेडीयू ने तंज कसते हुए कहा कि महागठबंधन केवल कागजों पर रह गया है। जनता तो पहले ही खारिज कर चुकी है तेजस्वी यादव को। अब जिस तरीके से महागठबंधन के अंदर तेजस्वी यादव की दावेदारी को लेकर के कोहराम मचा है, और बारी बारी से चाहे वो आज हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी का बयान हो या इसके पहले कांग्रेस और तमाम वैसे दल जो तथाकथित महागठबंधन में शामिल हैं, अपने अपने तरीके से राजद और तेजस्वी यादव की चौधराहट को नकार चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा साफ कह चुके हैं कि बिहार चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। वहीं चिराग पासवान और बीजेपी में मतभेद की खबरें भी आई हैं। महागठबंधन में आरजेडी लगातार तेजस्वी को सीएम का चेहरा बता रही हैं, लेकिन गठबंधन के साथ ही कांग्रेस और हम कोऑर्डिनेशन कमेटी में सीएम उम्मीदवार तय करने की मांग कर रहे हैं। पटना से रोहित सिंह, बिहार तक।